हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेमबाला फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। आज हम शुरू करते हैं, हमारा नेक्स्ट मैप है प्राकृतिक वन या वनस्पति। मृदा की तरह इसी के हम पहले इंडेक्स बना लेंगे, जैसे फर्स्ट है पर्वतीय वन, सेकंड है मरुस्थलीय वन जिसे कंटीले वन भी कहते हैं, थर्ड है उष्ण सदाबहार वन यानी कि सदाहरित वन, फोर्थ पे है अर्ध सदाहरित वन, फिफ्थ ज्वारीय वन को हम डेल्टाई वन भी कहते हैं और मैंग्रोव वन भी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों को जो है पतझड़ वन और मानसूनी वनों के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम करते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जैसे कि हमने मृदा में किया था, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो हमारा हिमालय पर्वत यहां तक फैला हुआ है, इसमें पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है नेक्स्ट है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन जो है वो राजस्थान और गुजरात इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी उष्ण सदाबहार वन। उष्ण सदाबहार वन जो है मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, ये है हमारा पश्चिमी तट और यहाँ पर जो है वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो इस कारण जो है यहाँ पर उष्ण सदाबहार वन जिसे हम चाहे तो हम महाराष्ट्र कर्नाटक भी लिख सकते हैं, केरल और इसको, या फिर हम ये कह सकते हैं पश्चिमी तट। और ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन राज्यों के अंदर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि जहां पर 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है वहां ये वन पाए जाते हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य या इनके नाम हम अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ध सदाहरित वन। अर्ध सदाहरित वन मुख्य रूप से जो है पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा इन राज्यों में पाए जाते हैं, यानी कि उड़ीसा का थोड़ा सा क्षेत्र। नेक्स्ट आता है हमारा ज्वारीय वन या जिसे हम डेल्टा वन कहते हैं। ये पाए जाते हैं नदी के डेल्टा क्षेत्रों में, जैसे यहां पर है हमारी दामोदर नदी और यहां पर पाए जाते हैं दामोदर नदी के डेल्टा क्षेत्र, यहां पर है महानदी, इसके बाद यहां है गोदावरी, यहां पर है कृष्णा, और यहां पर है कावेरी। तो ये वन जो है इन नदियों के, हम अलग अलग भी लिखते हैं या फिर इकट्ठा ही मैं लिख रही हूं, इन नदियों के डेल्टा प्रदेशों में ये डेल्टा या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद बाकी जो रह गया हमारा जितना भी, उसके अंदर जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनके नाम जो है आप अच्छे से अपने मैप के अंदर लिख लेंगे। तो ये था हमारा आज का मैप। इसको अच्छे से
आप अपने मैप में फील करेंगे और रिवाइज करेंगे।